नमो सिद्धाणम् नमो वायरियाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोय सवसाहूणम्। सर्वदर्शी, सर्वज्ञ, त्रिकालवेत्ता, जो जिन है, विष्णु है, ब्रह्मा है, बुद्ध है या शिव है, उनको परमेश्वर कह लें, उनको भगवान कह लें, उनको परमात्मा कह लें, जिस स्वरूप की दृष्टि से हमने बात की थी वो समान है, वो एक है। तो स्वरूप की अपेक्षा से परमात्मा एक है, फिर उन्होंने जगत को जो कुछ दिया है क्योंकि लेता वो है जिसको आवश्यकता है, उनके पास तो कोई कमी नहीं। तो उनने जो रहस्य बतलाया वास्तव में सामग्री देने से स्थाई सुख नहीं मिलता क्योंकि सामग्री सुविधा हो सकती है, सुख नहीं। सुख अपने भीतर की वस्तु है। जी कृष्णमूर्ति से किसी ने कहा कि आप भूखों को भोजन कराने की बात क्यों नहीं करते, उन्होंने उत्तर दिया कि मैं मना नहीं करता कि भूखों को भोजन कराओ, पर यदि मैं यही सिखाने लग जाऊं या मैं यही संदेश दूं कि आप भूखों को भोजन कराओ तो उनको कल फिर भूख लगेगी, उनके जीवन का समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए समाधान निकालने के लिए जीवन के रहस्य को समझना आवश्यक है। पाने के लिए कोशिश की जाती है और कोशिश के बाद अगर कुछ मिले और तसल्ली ना हो तो फिर क्या आनंद है जीवन में, कुछ भी नहीं। द कमेंट्रीज ऑफ द कमेंट्रीज ऑन लाइफ एक बुक थी जिसमें जोड़ ने लिखा कि अपन जितने भी एफर्ट्स करते हैं, जितना भी परिश्रम करते हैं, अंत में पता चलता है कि वो आवश्यक नहीं था। जैसे जैसे विवेक जागृत होता है वैसे वैसे लगता है कि ये भी अनावश्यक है, ये भी अनावश्यक है। ये डिप्रेशन वाली बात नहीं है क्योंकि डिप्रेशन में भी इंसान को लगता है कि सब बेकार, ये बेकार, ये बेकार, वो बेकार, पर उसके सामने प्रकाश नहीं होता, अंधेरा होता है, वो निराश होता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर सर्व संपन्नता होते हुए भी एक अलग दृष्टि है। क्या अंतःकरण संतुष्ट होता है इतना सब करने के बावजूद? क्या अंदर से अपने को लगता है कि बस अब तसल्ली हो गई?
नहीं, जिनेंद्र वाणी जी कहते थे कि ये बस वाली जो स्थिति होती है वो तृप्ति कहलाती है, और ये तृप्ति किसी सुविधा में नहीं है। एक बार भोजन करते समय आप बस कर सकते हैं, लेकिन वो बस हमेशा के लिए नहीं, उतने समय के लिए। पेट में जगह नहीं तो फिर बस तो करना पड़ेगा, पर फिर पेट खाली होगा तो वापस कहोगे कि और ये और करते करते जीवन का छोर आ जाता है, लेकिन उस और का कोई और छोर नजर नहीं आता। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट एंड दैट एंड करते करते एंड आ जाता है, लेकिन एंड ये एक दास्तां है संसारी जीव की। और चूंकि ये इसी एंड का और का दास है, गुलाम है, इसलिए यही इसकी दासता भी है। यही दास्तां है और यही दासता है। तो ठीक है, सबको चयन का अधिकार है, बंधने की कोई बात नहीं है। जिसको ऐसा लगे कि कहीं वो बस वाला आनंद, कहीं वो तृप्ति हो तो मैं खोज करूं, मैं चाहता हूं, ढूंढना चाहता हूं, पाना चाहता हूं, तो उसके लिए ये ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है। और जिसको लगता है कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको अगर उसमें खुशी हो तो किसी की खुशी में, किसी के रंग में भंग डालना हमारी प्रकृति नहीं है। और कोई किसी के रंग में भंग डालकर क्या हासिल करेगा? जिसको जो मर्जी है करता रहे। बस यही है कि उतना सब करने के बाद अंत में कहीं ऐसा न लगे कि सारी मेहनत बेकार चली गई। एक बच्चे से पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहते हो, तो वो अपनी कल्पना के अनुसार कहता है कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं। बड़ा होता है, उससे पूछते हैं कि अब, बोले हम बात के पक्के, हम वही बनेंगे। चलो बड़ी खुशी की बात है। और जब वो बन जाता है तब कहता है कि अभी एस्टैब्लिश हो जाऊं, जम जाऊं। ठीक है, कुछ समय बाद जम गया। अब पूछा कि कैसे हो, बोले ठीक, थोड़ी शोहरत और मिल जाए, थोड़ी यश कीर्ति और बढ़ जाए। हो गया, और बोले कि हाँ, अब मैं जो सोचता था वहां तक तो पहुंच गया हूं, तो क्यों लगा रहे हो? फिर कहता है कि मैं जैसा सोचता था कि वहां पहुंचने के बाद कैसा लगेगा, वैसा नहीं लग रहा है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि मैं पा गया अपनी मंजिल को, मैंने पा लिया, लेकिन अब बड़ी विचित्र है जिंदगी। इसके अंदर एक खालीपन है। कभी कभी भरा भरा सा लगता है, कभी किसी के साथ भरा भरा सा लगता है, वो अलग हो जाता है तो अपने को खाली लगता है, अपन अलग हो जाते हैं तो उसको खाली लगता है।
ये खालीपन एक दूसरे से जुड़कर भरा हुआ सा लगता है, वास्तव में भरता नहीं है। देखो जितने जुड़ने वाले लोग हैं, कुछ समय तक ऐसा लगता है कि बस हमें सारी खुशियां मिल गई हैं, पर उसके बाद ये गतिमान है आत्मा, आत्मा कभी रुकती नहीं। क्या होता है उसके बाद? हम आप से हम तुम हो जाता है, हम तुम से मैं तू हो जाता है, और मैं तू से ओह, यहां तक स्थिति आ जाती है। संबंधों की मिठास टिकती नहीं है। जो चीज न टिके, जो चीज अपना साथ छोड़ दे, क्या उसको आप अपनी कह सकते हैं? जीवन भर मनुष्य उसको संभालता है जो जाने वाला है, जो रहने वाला है उसकी खबर नहीं है, उसका परिचय भी नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी परवाह भी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने ब्रह्म ज्ञान को लक्ष्य नहीं बनाया। जो साधना करके ब्रह्म तत्व को पाना चाहते थे, ब्रह्म ज्ञान से तो उसका परिचय मात्र हुआ। पता लगना अलग बात है और पते पर लगना अलग बात है। ब्रह्म ज्ञान पता लगने की स्थिति है, और उसके बाद बड़ी साधना करने के उपरांत ब्रह्म ध्यान की स्थिति बनती है, और उसके बाद स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म स्वरूप तो हमेशा से है, ब्रह्म रूप होना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए अपन ने परमात्मा की वाणी को ढूंढने का प्रयास किया था कि ऐसे कौन से वचन हैं जो निर्दोष है, पूर्वापर विरोध से रहित, सटीक और गणित की कसौटी पर भी अबाधित, हृदय स्पर्शी और तर्क कुतर्क से जिनका उल्लंघन न हो सके, ऐसे कौन से वचन हैं? तो ऐसे वचन सिर्फ परमात्मा वचन हो सकते हैं। भगवत वाणी ही ऐसी वाणी हो सकती है। तो भी कवि रायचंद जी ने एक भजन लिखा था गुजराती में, उसमें वो लिखते थे, उन्होंने एक पंक्ति लिखी,
जी स्वरूप सर्वज्ञे दीठु ज्ञान मां, कहीं शक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो, ते स्वरूप ने अन्य वाणी तो शू कहे, अनुभव गोचर मात्र रहूं ते ज्ञान जो। जिस स्वरूप को परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखा है, जो उनके ज्ञान में आई हुई बात है, उस बात को वे अपने वचनों में बता नहीं पाए, क्योंकि वचन तो वचन है, वो इतना विराट स्वरूप था कि जो शब्दों में समा नहीं सकता था। तो स्वयं भगवान जिस बात को बता नहीं पाए, उसको अन्य किसी की वाणी कैसे बता सकती है। वो तत्व अनुभव गोचर मात्र है, और अनुभव भी अनेक रूप है। अपनी धारणाओं से अपन जो अनुभव करते हैं वो एक रूप नहीं होता। सर्दी में गर्म कपड़ों का अनुभव अलग होता है, गर्मी में उन्हीं कपड़ों का अनुभव अलग होता है। गर्मियों में एसी का अनुभव अलग होता है, सर्दियों में एसी का अनुभव अलग होता है। समय और स्थान को लेकर अनुभव बदल जाते हैं। इसलिए जो आत्मानुभूति है, वहाँ पर अनुभूति क्या वस्तु है, इस रहस्य को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आज अधिकांश लोग अनुभूति का अर्थ एक्सपीरियंस लेकर के चल रहे हैं। एहसास, यही अर्थ लेकर के चल रहे हैं। आत्मानुभूति का मतलब आत्मा का एहसास, आत्मा को महसूस करना। पर क्या प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसा स्वीकार किया था? एक बड़ा ही मौलिक प्रश्न है, इस प्रश्न पर विचार कीजिए। अंग्रेजी में आत्मानुभूति को क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, सबने सुना है ये शब्द। सेल्फ एक्सपीरियंस क्यों नहीं कहते? खोज करनी है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।